नमस्कार, मैं चंद्रकला आपका स्वागत करती हूं अपने गार्डन के स्पेशल कॉर्नर में। आज मैं कोल्ड ड्रिंक के बोतल से खूबसूरत प्लांटर तैयार करना बताती हूं। लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं है, लॉकडाउन में घर में रहकर खुद को और देश को कोरोना से बचाना है। मेरे पास कुछ कोल्ड ड्रिंक का बोतल पड़ा हुआ था, जिसे देख कर मुझे लगा कि इससे भी कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे समय का यूज़ तो हो ही, बनाने में भी मज़ा आए। बोतल को पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद इसे कट करने के लिए एक निशान लगा लेती हूँ। इस तरह एक निशान लगा लें और उसके बाद इसे सीजर से या कोई भी कटर से काट लेती हूँ। इस बोतल को कटने के बाद पेंट कर लेती हूँ। इसे आप ऐसे सादा भी रख सकते हैं और किसी कलर से पेंट भी कर सकते हैं। पेंट करने के बाद इसे पूरी अच्छी तरह से सुखा लें। ये सूखने के बाद मेरा बॉटल इस तरह का हो गया है। आप एक कलर से भी रख सकते हैं। मैं इसे रेड के बाद वाइट का डॉट लगा दी हूँ, उससे ज़्यादा खूबसूरत लग सकता है, आप अपने पसंद के अनुसार करें। देखिए, ये तीनों बॉटल एक साइज का है, इसे मैं कलर कर ली हूँ और नीचे से तीनों में चार पांच होल कर दी हूँ जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और एक जो मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि रस्सी से हैंग करने के लिए, एक सामने सामने ऊपर और नीचे दोनों होल करेंगे दोनों जगह। अब मैं इसको रस्सी डालकर आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे डालें। इस बोतल के नीचे से मैं ये चार पांच होल कर दी हूँ जिससे एक्स्ट्रा पानी, अगर इसमें प्लांट लगाते हैं, मैं प्लांट ही लगाऊंगी, तो इसमें एक्स्ट्रा पानी यहाँ से निकल जाएगा। और एक होल आप यहाँ मैं की हूँ और एक यहाँ की हूँ, इसके ठीक सामने ऊपर भी करेंगे। देखिए, मैं लगा के दिखाती हूँ, इसे ऊपर इस तरह निकल जाएगा दोनों सामने सामने। अब ये देखिए, ये मैं रस्सी ली हूँ, आपके पास जिस प्रकार का भी रस्सी हो उसे ले लें, थोड़ा लंबा लें क्योंकि इसे हैंग करने के लिए लंबी रस्सी की ज़रूरत है। इसे ऊपर की ओर डालकर नीचे से निकाल देंगे। मेरे पास ये सुआ है, मैं ये सुए से ही इस रस्सी की मदद से मैं डाल रही हूँ। दूसरी तरफ से इसे डालकर इसे निकाल लें। आप ये देख रहे होंगे कि इधर ये प्लेन रस्सी हो गया, इसे मैं बराबर इस तरह खींच लेती हूँ। आप एक तरफ से देख लीजिएगा कि दोनों रस्सी इस तरह बराबर हो जाए। उसके बाद इसे दूसरे बॉटल में इसी तरह डालेंगे, इस तरह। आप देख रहे होंगे कि इस तरह ये तीनों बॉटल में रस्सी लग गई है। अब इस तरह भी इस रस्सी को सेम उसी तरह इधर से फंसाकर तीनों बॉटल में लगा। आप देख रहे हैं, यहाँ बॉटल के पास से करीब 10 इंच छोड़कर रस्सी, इसे आप एक गांठ बांध लेंगे। मैं आपको गांठ बांध कर दिखाती हूँ, जिसके वजह से ये बॉटल जब हम एक दूसरे के साथ हैंग करेंगे तो स्लिप ना करे, इसलिए ये गांठ बांधना ज़रूरी है। इस तरह ये गांठ बंध गया। अब इसे मैं फिर दूसरे बॉटल में डालती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह हो गया एक दूसरे से बॉटल। उसके बाद फिर मैं यहाँ से 10 इंच छोड़कर फिर एक गांठ बांधती हूँ। और फिर मैं तीसरे बॉटल के होल में लगा देती हूँ। ये देखिए, तीसरा बॉटल में हो गया। ये देखिए, मैं इस बोतल में प्लांट लगा दी हूँ। मेरे पास 9 o'clock के प्लांट हैं, इसलिए मैं इसे लगाई हूँ। आपके पास जो भी प्लांट हो उसे आप लगा सकते हैं। और इस तरह ये बंधा हुआ इस तरह भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो इस तरह प्लास्टिक के बॉटल से ये लीफ का शेप देकर और फिर उसे फ्लावर बनाकर इस पर चिपका सकते हैं। दोनों रस्सी को मैं बांध देती हूँ बीच से, इसी तरह के जो भी आप धागा से बांधें उसी कलर के धागा से बांध दें।
जो भी एक्स्ट्रा धागन हो उसे आप फ्लावर बनाना के लिए कोई भी ग्रीन बॉटल से इस तरह का कटिंग कर लें एक लीफ के शेप में। उसके बाद इसे चारों तरफ से पतली पतली कट दे दें। इस तरह के पेटल्स जब बन जाएंगे तो पाँच छः जितना भी आप हैं, इसमें मैं ज़्यादा लगाई हूँ, इस तरह एक पेपर ले लें ग्रीन पेपर और उस पर इसको चिपका दें। चिपकाने के बाद इस पर अच्छे से बोन फिक्स या कोई भी पेपर पिन, जैसे मेरे पास पेपर पिन है उससे मैं यहाँ पे इसे लगा देती हूँ। अब मैं इसे हैंग कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये हैंग कर दी हूँ, बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। लॉकडाउन में घर में रहें और घर में ही रहकर बेकार बोतल से ये प्लांटर बनाकर अपने घर को और भी सुंदर बनाइए। इसी उम्मीद में कि आप लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में रहेंगे, मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।